हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेट। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है कि सेट को क्या बोलते हैं, सेट को कैसे डिनोट करते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वो नहीं पता है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखें, उसके बाद ये स्टार्ट करें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट के कुछ टाइप्स, कि अगर ऐसा कोई सेट होगा तो उसको क्या बोला जाता है, उसकी डिस्कस करें। तो लास्ट वीडियो में हमने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में नाम से ही है कि वो सेट एम्प्टी होगा, उसे हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसको किन किन नाम से जाना जाता है। तो इसको आप नल सेट भी बोल सकते हो, ठीक है, नल सेट। और इसको आप वॉइड सेट भी बोल सकते हो। तो अगर कहीं पे भी लिखा हो एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, वो सभी एक ही चीज है, ठीक है। उसके बाद एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज जीरो इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज जीरो और एलिमेंट इन सेट जीरो इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। मतलब एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट होगा नहीं, ठीक है। जो सेट होगा उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। और उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। उसके कुछ एग्जांपल में कैसे कैसे एग्जांपल आएंगे, सबसे पहले तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले सेट लिखो और उसके बीच में कुछ नहीं लिखोगे, उसको बोलेंगे हम एम्प्टी सेट। या फिर आप उसको फाइव से भी डिनोट कर सकते हो, ये दोनों से डिनोट कर सकते हो। उसको नल सेट भी बोल सकते हैं या फिर उसको फाइव भी बोल सकते हैं, क्लियर है। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई। अब गौर करते हैं उसके एग्जांपल। तो एक एग्जांपल मैं ऐसा ले रहा हूं कि x वेयर x बिलोंग्स टू n वेयर x स्क्वायर इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये एक एग्जांपल मैंने लिया है, x वेयर x की वैल्यू n में से है एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -2। अब मुझे बताओ n में से आप कोई भी वैल्यू लो, उसका आप स्क्वायर करो तो उसका स्क्वायर कभी माइनस होगा नहीं होगा, इसलिए हम उसको बोलेंगे नल सेट। या फिर नॉर्मल आपको एग्जांपल लेना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, x वेयर x बिलोंग्स टू n वेयर x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6, ठीक है। अगर आप नेचुरल नंबर की बात कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट, वो होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में x की वैल्यू 5 से बड़ी और 6 से कम, तो 5 से बड़ी 6 आती है, 6 से कम 5 आती, तो दोनों के बीच में कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर कोई वैल्यू नहीं है n की तो ये होगा हमारा नल एम्प्टी या फिर वॉइड सेट, क्लियर है इतना। ओके, ये पोर्शन हो जाने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे सिंगलटन सेट। ओके, व्हाट इज सिंगलटन सेट? सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज 1। एकदम सिंपल डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। एम्प्टी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसको एम्प्टी सेट बोलेंगे। सिंगलटन सेट, सिंगलटन मतलब जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑलवेज 1 होगा, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑलवेज 1 होगा उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। उसके अगर एग्जांपल ले दें तो सिंपल सा एग्जांपल ऐसा भी ले सकते हैं कि x वेयर x बिलोंग्स टू n और 5 से बड़ा n 7 से कम, ठीक है, वेयर 5 नहीं लेना है 7 भी नहीं लेना है। रिपीट कर रहा हूं, x वेयर x belongs to n where x is greater than 5 and less than 7, तो इसका आंसर क्या आएगा 6। तो ये हो गया सिंगलटन सेट।
क्यों सिंगलटन सेट? बिकॉज इस सेट में एक ही एलिमेंट है, इसलिए हम इसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। क्लियर इतना? और कोई एग्जांपल? इवन प्राइम नंबर, चलो पहले तो प्राइम नंबर की बात करें। प्राइम नंबर कौन सा है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन, ठीक है? उसमें में भी इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर कितना है? सिर्फ एक है और वो है 2, ठीक है? इवन प्राइम नंबर कितना है? ओनली वन, व्हिच इज 2। तो देखो इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसलिए हम उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। इन दोनों में क्लियर है? एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट में सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, सिंगलटन सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, उसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। अब और दो सेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विच इज फाइनाइट सेट और दूसरा है इनफाइनाइट। तो नाम से ही हमें जाना है, फाइनाइट मतलब लिमिटेड, लेबल है या फिर काउंटेबल बोल सकते हैं उसको, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, हम उसको गिन नहीं सकते, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो फाइनाइट में ऐसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, विच इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट में क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, ठीक है? जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो गए, काउंटेबल हो गए, हम उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। और जो भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो गए, हम उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, ठीक है? इन दोनों के एग्जांपल के साथ किया है, इन दोनों के काफी सारे एग्जांपल देख रहे हैं, उसमें से हम पता लगाएंगे कि कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है, ठीक है? चलो सबसे पहले पॉज द वीडियो टू नॉट एंड नाउ। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इसमें से हम पता लगाएंगे कि कौन से फाइनाइट सेट है और कौन से इनफाइनाइट सेट है। तो आप याद कैसे रखोगे कि जो भी काउंटेबल हो गए या लिमिटेड हो गए, हम उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट, और जो भी इनफाइनाइट हो गए, ठीक है, हम उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। क्लियर? चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स है वो आप गिन सकते हो, ठीक है? ए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन गिन सकते हो। अगर गिन सकते हो और लिमिटेड है तो हम उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट, हम उसको एफ से डिनोट करेंगे। सिंपल, बस ऐसे हमें बताना है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, बहुत सिंपल है, ठीक है? चलो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब एक्स की वैल्यू एन में से नेचुरल नंबर में से है, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 5। अगर x greater than 5 होगा और वो नेचुरल नंबर होगा तो मेक श्योर उसका सेट कैसे होगा, 6, 7, 8, 9 greater than up to so on होगा, ठीक है? ये वैल्यू जाती ही जाएगी, कभी बंद होगी वो नहीं, इसीलिए ये होगा इनफाइनाइट सेट, हम उसको आई एफ से डिनोट करेंगे, हम उसको आई एफ लिखेंगे। क्लियर है? जो सेट में कोई भी मतलब जो एलिमेंट है वो आगे जाते ही जाते हैं, ठीक है, वो कहीं भी स्टॉप नहीं हो रहे हैं, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, हम उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, जो फिक्स है उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। चलो थर्ड क्वेश्चन इज एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू जेड वेयर एक्स इज ग्रेटर देन -10। चलो एक्स की वैल्यू जेड में से है, ग्रेटर देन -10, तो क्या लिखेंगे हम आप इसमें -9, -8, -7 एंड सो ऑन, ये भी वैल्यू आगे जाती जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये भी क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। चलो उसके बाद द सेट ऑफ लाइंस इन ए प्लेन, आप समझ लो कि ये कोई प्लेन है और उसमें लाइन, तो लाइन आप कितनी भी बना लो उसमें कोई लिमिटेड नहीं है,
ठीक है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इतनी लाइन बना सकते हो या इतनी बना सकते हो, आप इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन बना सकते हो, इसलिए हम इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, चलो उसके बाद फिर से x where x belongs to R, where 0 is मतलब x is greater than 0 and less than 1। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये वैल्यू कितनी होगी 0 एंड 1 और उसके बीच की ये सारी वैल्यू होगी, तो आप क्या बोलोगे? सर ये तो लिमिटेड है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, आप डिवाइड बाय 10 करो 0.1 0.2 वाली वैल्यू आएगी, डिवाइड बाय 100 करो 0.01 0.02 वाली कितनी वैल्यू आएगी, डिवाइड बाय 100 1000 10000 लाख से डिवाइड करो, तो ये तो वैल्यू कभी कम ही नहीं होगी, ये भी इनफाइनाइट ही जाएगी। इसलिए ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है क्योंकि आपको समझ में आए, ये भले हमें लिमिट दे दी है 0 टू 1 लेकिन उसके बीच में भी कितनी सारी वैल्यूज है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि बहुत सारी वैल्यू है इसमें, बहुत सारी, आप जाते जाओ डिवाइड करते जाओ डिवाइड करते जाओ उतने अंदर फ्रैक्शन निकलेंगे। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट नंबर होगा। उसके बाद x where x belongs to n where x is less than 200। अब x की वैल्यू n में से है, मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके, तो ये सेट कैसे जनरेट होगा, 1, 2, 3 up to 199, क्योंकि देखो 200 नहीं लेना है, तो ये आपको क्या लग रहा है, फाइनाइट हो गया इनफाइनाइट, ऑब्वियसली फाइनाइट क्योंकि लिमिटेड है, इसलिए हम उसको फाइनाइट लिखेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज x where x belongs to z, x की वैल्यू z में से है और x square is equal to 36। मैंने पहले भी आपको बोल चुका हूं, पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, मैंने ऑलवेज बोला है कि जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकालते हो, ठीक है, तो x की वैल्यू प्लस और माइनस 6 आएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू प्लस 6 होगी तो भी आंसर 36 आएगा, माइनस 6 होगी तो भी आंसर 36 ही आएगा। अब आप ध्यान से देखो, x की वैल्यू z में से है, मतलब वो माइनस एंड प्लस दोनों हो सकती है, दैट मींस उसका सेट ऐसे जनरेट होगा। तो मुझे बताओ ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ऑब्वियसली फाइनाइट है, दो ही एलिमेंट है, ऑब्वियसली गिन सकते हैं, तो हम उसको फाइनाइट लिखेंगे। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थे अच्छे अच्छे, मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिखे है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो सारे इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, ओके, चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, तो इक्विवेलेंट सेट क्या है, सपोज कोई दो सेट हमें दे दिए, सेट ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इफ सेट ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, so we can say that set A and B both are equivalent set. Clear? For an example, I want to say that A is equal to 1, 2, 3, 4. ठीक है? And set B is equal to A, B, C and D. ठीक है? हमें ऐसा दिया। तो मैं इसको लिखता हूँ N of A. अब n of a का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट a। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a, तो सेट a में कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, तो यहां पे होगा 4। अब मैं n of b लिखना चाहता हूं, चलो n of b क्या है, n of b मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b, तो 1, 2, 3, 4, तो 4 एलिमेंट है तो यहां पे आ जाएगा 4। तो सेट ए और सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे है,
सेम है, n ऑफ ए इज इक्वल टू n ऑफ बी इज इक्वल टू फॉर लिख सकता हूं। अगर n ऑफ ए इज इक्वल टू n ऑफ बी है, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट सेम है, तो हम उसको इक्विवेलेंट सेट बोले। दैट्स इट, क्लियर है इतना? ओके, द नेक्स्ट टाइप इज इक्वल सेट। इक्वल सेट, अब इक्वल सेट में क्या होगा, हम सिंपल लैंग्वेज में उसको समझने का ट्राई करता है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मेंबर ऑफ सेट बी एंड वाइस वर्सा। ओके, इसका मतलब क्या है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हो गए वो सेट बी के एलिमेंट हो गए एंड वाइस वर्सा, दैट मींस सेट बी के जितने भी एलिमेंट हो गए वो सेट ए के एलिमेंट हो गए। अगर ऐसा हुआ तो सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट। फिर से, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो गए, सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हो गए, तभी हम उसको इक्वल बोलेंगे। ये लैंग्वेज मुझे लिखनी पड़ रही है क्योंकि ऐसा है, लेकिन मैं सिंपल भाषा में आपको बोलता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो ए में एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट्स सेट बी में हो, अगर ऐसा मिल गया तो वो इक्वल सेट है। दैट मीन्स दोनों में एलिमेंट सेम होने चाहिए, वो आपको चेक करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल फर्स्ट, चलो सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट बी इज इक्वल टू 4 1 2 3। ठीक है, तो सेट ए एंड सेट बी इक्वल है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले 1, तो इसमें 1 है, हाँ चलो है। 2, इसमें 2 है, यस 2। 3 है, यस। 4 है, यस है। अब फिर से उल्टा चेक करो, 4 यस, 1 यस, 2 यस, 3 यस। हाँ, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है, सो वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी, ए एंड बी बोथ आर इक्वल सेट। क्लियर है? ओके, और कोई एग्जांपल, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर वॉल्फ एंड बी इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स फॉलो। इन दोनों के लेटर का सेट जनरेट करना है, तो चलो ए सेट जनरेट करते हैं। इसमें कौन से लेटर आएंगे? W O L F, ठीक है, वॉल्फ है तो इसमें ये 4 लेटर आएंगे। फॉलो में कौन से आएंगे? कि F O L W, देख लो फॉलो में कौन से आएंगे। F O L हमने ये डिस्कस की, मतलब कर दिया है कि अगर डबल हो फिर भी आपको एक टाइम ही लिखना है, तो L O तो पहले आ गया और W, ठीक है। अब क्या चेक करना है, ए के सारे एलिमेंट बी में, बी के सारे एलिमेंट ए में, तो W है, O है, L है, F है, उल्टा चेक करो, F O L W, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो वी कैन से दैट ए एंड बी बोथ आर इक्वल सेट। क्लियर है? आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, उसके बाद फाइनाइट इनफाइनाइट, और उसके बाद इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट। क्लियर है इतना? इसके जितने पॉसिबल एग्जांपल्स है उतने मैंने करवाए हैं, ठीक है। फिर भी मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आपको कुछ एग्जांपल सॉल्व करने हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको ऑल एग्जांपल करने के लिए असाइनमेंट दे दूँगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, जिससे आपके फ्रेंड इसका मजा ले सके, ठीक है। थैंक यू।